बिल्कुल मॉर्निंग टाइम है और मैंने सोचा कि अपने छत में जाके मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दे देना। एनीवेज, तो आज मैं करने वाली हूँ कोई प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अपने लाइफ का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। द नेक्स्ट सीन, तो मेरा लाइफ कैसा था, मैं कब पैदा हुई थी ये जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़कियों का उम्र जानने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो हम इससे आगे चलते हैं। लाइक पैदा होने के वक्त तो ठीक ठाक था, मम्मी के पास था, क्या था, ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद चलते हैं, लाइक चलो चलते हैं। कोई नॉर्मल किड तो मैं थी नहीं, थोड़ा सा ओवरवेट थी। और पीछे देखो ये सब है ना, ये बैकग्राउंड बहुत ब्यूटीफुल है, इसको ब्यूटीफुल सोच के चला दो। एनीवेज, तो जब पैदा हुई थी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जैसा मैंने बोला, लेकिन उसके बाद से ना ओवरवेट होने लगी, तो सबको प्रॉब्लम होने लगा। तो ये ओवरवेट की बात छोड़ते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबको प्रॉब्लम था तो मुझे क्या। इसके बाद चलते हैं गाइस, इसके बाद वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि मेरा 2 साल पूरा हो जाएगा इस जून में। यहाँ गाइस, इस जून में मेरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे यूट्यूब में कितना सब्सक्राइबर है, 5,500। सब लोगों का 2 साल में कितना होता है, 50,000, 1,00,000। गाइस मेरा किस्मत ऐसा है, लाइक जिंदगी में ना कुछ भी मुझे इजीली नहीं मिला, सच बात बताओ तो कुछ भी नहीं। लाइक गाइस मैंने सोचा था कि सुबह उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, कोई नहीं देखेगा, बहुत अच्छा सा सिचुएशन रहेगा, लेकिन हर एक छत के लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही फ्लोर का, मतलब एक ही फ्लोर का बिल्डिंग है। लाइक बिल्डिंग या एक ही फ्लोर का जो बंगलो है ना, वो आलिशान बंगलो को पूरे इलाका देख सकता है। तो मैं दिखा दूँ आप, बात करते हैं हर एक इंसान की ज़िंदगी, हर एक इंसान की ज़िंदगी के मतलब सामने उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी टफ होती है। लाइक किसी की ज़िंदगी किसी के लिए इतना आसान होती नहीं है, लेकिन मेरा ज़िंदगी ना अल्ट्रा स्मूथ है। आप लोगों को मैं बताती हूँ, मतलब स्कूल में शुरू करने के बाद से ही आई एम जस्ट ग्रोइंग सो मच। सबसे पॉपुलर गर्ल थी, सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी, सारी की सारी एक्टिविटी में मेरा नाम था, स्पोर्ट्स, गाना गाना, नाचना, डांस करना, ये सब में मेरा नाम सबसे पहले था। लाइक यू कैन इमेजिन कि स्कूल में कोई भी नाम लो, मेरा नाम सबसे आगे है, इतना पॉपुलर गर्ल था मैं। एंड गाइस कॉलेज में उठने के बाद लाइक People are just asking for me, like रितिका कहाँ है, वरना हम कॉलेज नहीं आएंगे। फिर आपको आया मेरा YouTube का स्टोरी। अब YouTube में आने के बाद ही मैंने सोचा था कि लाइफ में तो वैसा कुछ नहीं कर पाया, लाइक मुझे तो हीरोइन बनना था, ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो YouTube में मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बन के सबको हेल्प करनी है, सब मुझे बहुत फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन गाइस ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज भी मैं शायद अपना मजाक ही बना रही हूँ, कोई देखेगा नहीं। एनीवेज, तो शुरू करने के बाद मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई हैव पंप, आई हैव टैलेंट, आई हैव दिस, आई हैव दैट, लोग पहचान जाएंगे, लोग मेरे वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ, ठेंगा ठेंगा, मेरे हेटर सब नाचते आज, लव सब बोलते हैं इसका तो सब्सक्राइबर बढ़ गया, व्यू नहीं होता, इसका तो व्यू बढ़ गया, सब्सक्राइबर नहीं होता। लाइक ठेंगा हुआ है मेरे साथ, ठेंगा हुआ है तो हुआ है, मैं वीडियो बनाते रहूंगी। एनीवेज, तो मेरा लाइफ का स्टोरी यही है कि मुझे लाइफ में ना किसी भी चीज को पाने के लिए सबको मेहनत करना पड़ता है, मुझे ना अल्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, लाइक किसी भी चीज को पाने के लिए, छोटा सा एक लॉजेंस को पाने के लिए। और देखो दुनिया में कितना आवाज है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। एनीवेज, एक छोटा सा लॉजेंस को पाने के लिए, मतलब कैंडी को पाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है कि हनुमान जी को पर्वत चढ़ने के लिए भी इतना मेहनत, पर्वत लाने के लिए भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ा था। मेरे मम्मी पापा की तरह मम्मी पापा ना किसी को नहीं मिलेगा, उनको कभी पढ़ाई लिखाई का मतलब एक बैठ जाती हूँ, हाँ उनको ना कभी ऐसा नहीं था कि तुम्हें फर्स्ट बनना है, सेकंड बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस पास कर जाओ, यही था। पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल खास था मेरे लिए, थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर लेते, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे, हाँ पढ़ाई लिखाई भी ना बहुत ग्रेट था मेरा, मतलब मैथ्स में ना मैं इतना खास थी, मैथ्स में मुझे गोल्ड मेडल दिया गया था, स्कूल से कॉलेज से हर एक जगह से मैं मैथ्स में इतना अच्छा था। और गाइस
मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा इतना स्ट्रांग था कि मुझे मैथ्स के लिए एक अवार्ड मिला था, वो है अल्ट्रा लूज़र अवार्ड। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैथ्स को लेके मैं आगे भी आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, मैथ्स पढ़ाई ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। लाइक मेरे तरफ फालतू काम भी करना चाहते हो ना तो भी आपको पढ़ाई करना है। लाइफ ऑफ रिव्यू ऑफ अ सुपरस्टार्स लाइफ, तो ये देख के आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। गाइस मेकअप के बिना बैठी हूँ पहली बार, थोड़ा सा माफ कर देना। एनीवेज तो मैं जो बोल रही थी, मुझे ना अपनी लाइफ का रिव्यू देना है आप लोगों को। अभी मुझे ना हिंदी सॉन्ग पसंद है, मुझे पंजाबी सॉन्ग पसंद है, पहले मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनती थी, अभी ना थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाता है, ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं सुनती हूँ। क्योंकि देखो गाइस बड़ी हो गई हूँ, अभी ना वो फालतू की चीज़ सुनना पसंद नहीं है, इसलिए पंजाबी सुन लो, हिंदी सुन लो, कुछ भी सुनो अच्छा लगता है। एनीवेज तो और एक रिव्यू देना बाकी है, यूट्यूब चैनल को शुरू करने के बाद मेरे लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है। मैं यूट्यूब शुरू करने के बाद मेरे लाइफ में चेंज क्या हुआ है, लाइक मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, लड़कियाँ बच्चियाँ लड़के ऐसे ऑटोग्राफ के पैड लेके खड़े रहते, मैं बस ऐसे ऐसे करके ऑटोग्राफ दे देती हूँ, या फिर कभी कभी मूड नहीं होता तो बस एक छोटा सा फ्लाइंग किस, यही मेरा यूट्यूब शुरू हो जाने के बाद लाइफ है। और गाइस पैसा तो मेरे ऐसे ऐसे गिरता है ऊपर से, लाइक छत देख के पता चल रहा है ना कितना पैसा है, कितना पैसा है, पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। सो गाइस चलो और क्या बताएं, एक सुपरस्टार की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। सुपरस्टार की ज़िंदगी देखने के बाद अगर आपको इस ज़िंदगी के साथ इन्वॉल्व होना है तभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि सुपरस्टार को समझने में आप लोगों को वक्त लग रहा है, लेकिन गाइस जब पता चल जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूँ। एनीवेज नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, पीस आउट। थोड़ा सा ना ऋतिका को ओवरटेक किया मैंने आज, ये अल्टर ईगो वाला वीडियो है, मैंने बोलना ही भूल गई।